भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के तिनसुकिया जिले के सदिया गांव में हुआ था। हजारिका के पिता का नाम नीलकांत एवं माता जी का नाम शांतिप्रिया था। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के वह एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इसके अलावा वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी थे। भारत देश ने उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। हजारिका भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना गया है। उन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में काम किया। भूपेन हजारिका के गीतों ने लाखों दिलों को छुआ। हजारिका की असरदार आवाज में जिस किसी ने उनके गीत दिल हुम हुम करे और ओ गंगा तू बहती है क्यों सुना, वह इससे इनकार नहीं कर सकता कि उनके दिल पर भूपेन दा का जादू नहीं चला। अपनी मूल भाषा असमिया के अलावा भूपेन हजारिका हिंदी, बंगला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गायन की। उन्होंने फिल्म गांधी टू हिटलर में महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन गाया था। उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। हजारिका के पिताजी मूलतः असम के शिवसागर जिले के नाजिर शहर से थे। 10 संतानों में सबसे बड़े हजारिका का संगीत के प्रति लगाव अपनी माता के कारण हुआ। उन्होंने उन्हें पारंपरिक असमिया संगीत की शिक्षा जन्मघुट्टी के रूप में दे दी। बचपन में ही उन्होंने अपना प्रथम गीत लिखा और 10 वर्ष की आयु में उसे गाया भी। साथ ही उन्हें असमिया चलचित्र की दूसरी फिल्म इंद्र मालती के लिए 1939 में 12 वर्ष की आयु में काम भी किया। हजारिका ने करीब 13 साल की आयु में तेजपुर से मैट्रिक की परीक्षा की। आगे की पढ़ाई के लिए वे गुवाहाटी गए। 1942 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। 1946 में हजारिका ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान के विषय में एमए किया। इसके बाद पढ़ाई के लिए वे विदेश गए। न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। हजारिका को 1975 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 1992 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 2009 में असोम रत्न और इसी साल संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड, 2011 में पद्म भूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।